आजादी के आदर्शों को समझे और बयां करे। बाबा साहेब अंबेडकर का मिशन पूरा करना है। कुछ कुछ हाथ नहीं उठा रहे, पीछे बहने तो उठाई नहीं रही, सभी उठाओ, करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन सुनिए क्या है, बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या कहा, राजनीतिक बराबरी संविधान में आ चुकी है जैसी भी है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं आई। राष्ट्रपति की कुर्सी पर ऊंची जाति का व्यक्ति अगर बैठ सकता है तो बाबा साहेब अंबेडकर के कारण राष्ट्रपति की कुर्सी पर वाल्मीकि का भी बेटा बैठ सकता है, ठीक। और जब वाल्मीकि का बेटा बैठेगा, आदिवासी का बेटा बैठेगा, तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष सैल्यूट करते हैं, ठीक, उसी वाल्मीकि को। और वही वाल्मीकि अगर गांव में टूटी चारपाई पर बैठने की कोशिश करेगा तो 50 गाली देते हैं लोग। तो चारपाई महंगी है कि राष्ट्रपति की कुर्सी, तो गाली तुम बाय दे रहे। जैसे बच्चा कोई कागज फाड़ दे और नोट फाड़ दे तो आप किस पे गुस्सा करेंगे, नोट पे, यानी कीमती चीज खराब करेगा वहां पे गुस्सा आएगी। तो टूटी चरपैया पर वाल्मीकि बैठा है, बापे गाली दे रहा है, और राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठता है वाल्मीकि आदिवासी तो सैल्यूट करते। कारण क्या है? कारण यह है कि राजनीति में बाबा साहब का कानून पास हो चुका है, सामाजिक जीवन में कानून पास नहीं हुआ है, और आर्थिक जीवन में बिल्कुल नहीं। कैसे? धन, आप बताइए मुझे, जो लड़के बैठे हैं जो पढ़ रहे हैं, LLB पास कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, क्या आप में से किसी की अगर नौकरी लगी तो अपने बच्चे पालने तक रह जाएगा इससे आगे? मैंने बहुत देखे नौकरी करने वाले, अपने खास भाई के बच्चे भी भूखे मर जाए तो एक पैसा देने वाला देगा कोई नहीं। तो ये जो नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं ये नौजवान, नौकरी से करोड़पति बन सकते हैं क्या? नहीं। मुझे आप बताइए कौन सा साधन है कि ये लड़के 5-5 करोड़ रुपए के मालिक बन जाए, कोई रास्ता बताइए। चलिए मुझे, मैं आपकी मान जाता हूं, ठीक, बन सकते हैं ये, कोई भी बताइए। आपके यहां तो कुंभ लगता है, डुबकी लगाए, आपने तो ज्यादा डुबकी लगाई होगी, नहीं है? आपके तो बगल में भगवान जी डुबकी लगाई होंगी, कोई बन गया करोड़पति? डुबकी लगाने से किसी की चपरासी की भी नौकरी लगी हो मुझे बताओ, मैं खड़ा हूं यहां पर, लगी है किसी की? तो ये नौजवानों को नहीं समझना चाहिए, ठीक है। और मैं, आप सुनिए, बाबा साहेब अंबेडकर का आर्थिक बराबरी का कानून कौन सा, जिन स्रोत से पैसा कमाया जाता है उन स्रोत पर जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। पत्थर की खदान अगर 100 है तो 50 पिछड़े वर्गों की, 33 शुरू का साहिब की, 10 माइनॉरिटी की, ये होनी चाहिए। अगर दुकानें हैं उन्नौर उज्जैन में लाख लाख, तो 1 लाख दुकानों में 50,000 दुकानें पिछड़े वर्गों की, 33,000 दुकानें शेड्यूल कास्ट ट्राइब की, और 10,000 दुकानें माइनॉरिटी के लोगों की। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं क्या है, अब छोड़िए ये चर्चा, मैं ज्यादा नहीं करना चाहता हूं कि हवाई जहाज उड़ते हैं उसमें हो, किसी में हो, मकानों में, रोडों में, छोड़िए इसको, टाइम कम है। ये बजट पास होता है दिल्ली से, दिल्ली से जो बजट पास होता है, इस बजट में आपने कभी विचार किया ये बजट क्या है, कैसे पास होता है? कभी विचार नहीं किया, कभी विचार नहीं किया। बजट सुनिए आप, पेन और कलम निकालिए और लिखिए बजट क्या है। इस साल का बजट कितना पास किया है? 21,47,000 करोड़ इस वर्ष का 17-18 का, ठीक। और इसमें शेड्यूल कास्ट ट्राइब का कितना बजट है? 5,36,000 करोड़। और पिछड़े वर्गों का कितना बजट है? 0। मुस्लिम सिख ईसाई के कितना है? 0। नहीं,
आज तक चर्चा ही नहीं हुई है। और पिछड़े वर्ग के लोग कहते हैं कि बीजेपी हमारी पार्टी है, बीजेपी ने चर्चा ही नहीं करवाया कि ये देश के पैसे में तुम्हारा हिस्सा है। कोई माता पिता चार बच्चों में कहे कि इसमें दो बच्चों का हिस्सा नहीं है तो वो माता पिता उस बच्चे के हितकारी हैं का अहितकारी? अहितकारी हैं। और इन पार्टियों में मेहनत करता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट ट्राइब का जो बजट है 5,36,000 करोड़, ये बजट आज तक शेड्यूल कास्ट ट्राइब को दिया नहीं गया। या मैं दावे से कहता हूं, इतने बड़े चैलेंज से कहता हूं कि कोई भी बता दे ये कपड़ा पहन करके आप आए हैं क्या, ये शेड्यूल कास्ट ट्राइब के बजट का कपड़ा है क्या? नाखूनों की कमाई का है। तो ये बजट कहां चला गया मालूम है? कहां गया बजट? शेड्यूल कास्ट और ट्राइब का जो बजट है वो कहां जाता है? इस बार सूखा पड़ गया, सूखा में जितना भी राहत का काम होगा यही शेड्यूल कास्ट ट्राइब का बजट खर्च होगा। ये वैक्सीन खरीदे जाएंगे चिकनगुनिया डेंगू के, उसमें शेड्यूल कास्ट ट्राइब का बजट खर्च होगा। भूकंप हिल जाएगी धरती, अगर खतरा बढ़ गया तो कंपनसेशन राशि शेड्यूल कास्ट ट्राइब के बजट से आएगी। और कंपनसेशन राशि कहीं की भी जरूरत हो, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे फ्लड्स हो, बाढ़ हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, सारा का सारा पैसा शेड्यूल कास्ट ट्राइब से लगता है। और ये कुंभ लगा था ना पीछे लगा था, और वो कुंभ कौन के पैसे से लगा था मालूम है? ये शेड्यूल कास्ट ट्राइब के पैसे। और चमार वलाई डुबकी लगा रहा है, आहा आनंद आ गया, इन्हीं का पैसा, इन्हीं आनंद आ गया। धन्य है आदिवासियों, बाल्मीको बसोरो तेली तमोलियो बलाइयो चमारो, धन्य है क्या खुद का ही पैसा बाहर आयो, कह रहे मजा आ गया। और ये डुबकी लगाई, ये सारा पैसा यही लगा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बात को ध्यान से सुनिए कि अगर आप साथ दे दें, मैं जल्दी हिसाब लगा के बता रहा हूं कि देश में पहला बजट नेहरू जी ने पास किया, नेहरू जी के बाद नेहरू जी ने किया, नेहरू जी ने किया, नेहरू जी ने, शास्त्री जी ने, इंदिरा जी ने, और लेटेस्ट बजट किया मोदी जी ने। इसमें 10 का सिक्का आपको नहीं दिया है, क्या करोड़पति भाड़ बनोगे क्या? जरा बताओ कहां से बन जाओगे? कहे नाखूनों की कमाई से, मनरेगा की 150 रुपया से बन जाओगे क्या? करोड़पति बन जाओगे क्या? ये करोड़पति क्यों नहीं बनते हैं, ये सवाल आज तक हमारे नेताओं ने नहीं उठाया। जिनको वोट देकर के संसद और विधानसभाओं में भेजते हैं, तो पहली बार हजामत हमने बनाई इनकी दिल्ली में जाकर के। क्या कहा मालूम है? कि मोदी जी जो बजट नेहरू जी ने पास किया है और आप तक जो बजट पास हुआ है, जितना हमारा हिस्सा बनता है ब्याज लगा करके हमें दे दो, नहीं लहू बहा देंगे संसद मार्ग पर। और हिल गए, पैर हिल गए, पेट में पानी हो गया। क्यों? क्योंकि यार ये तो आदमी अपने समाज को अब जगाने वाला है, अब इनके समाज में कहीं ये बात फैल गई तो मर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हाँ ये मुझे मालूम है कि मैं अगर मैं चाहूं 10 लाख लड़के मेरे साथ अगर दिल्ली चले चलते, 10 लाख लड़के, मैं इसी बार ये कानून पास करा के लाता कि 1952 से 17-18 तक का बजट जो हमारा खाया है ये ब्याज लगा करके वसूल नहीं कर लेता तो फूल सिंह बरैया मेरा नाम नहीं। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब। चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।